पिछले एपिसोड में आपने देखा, मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाती है, मुझ पर खून का इल्जाम है। प्राइमरी सेक्शन की टीचर किरण मैम हमें इंग्लिश पढ़ाने आती हैं। मेरे दोस्त किरण मैम के साथ मेरा नाम जोड़कर मुझे चिढ़ाने लगते हैं। घर पे मम्मी पापा के झगड़े से मैं लगातार परेशान रहता हूँ। हमारा लवगुरु बिंदु भविष्यवाणी करता है कि किरण मैम और मेरी ये कहानी लंबी चलेगी। अब आगे। उस दिन सुबह मैं अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा था। अमरी सासू गए, देख के नहीं चल सके। आग फूट रही है तेरी। सॉरी भाई, सॉरी, मेरी चैन उतर गई थी, मैं नीचे देखने लगा साइकिल में। सॉरी भाई, चैन उतर गई, साले अंडे फूट गए, ने पैसे तेरा बाप भरेगा। सॉरी भाई, सॉरी। ले पैसे काट। भाई पैसे तो कौन है, 10 रुपए दिए थे पापा ने जूस पीने के, ये ले लो। 10 रुपए पड़े, 550 के अंडे, 500 का ना मरो साले के। 500 क्या के हो गए भाई, थोड़े से अंडे फूटे, 30-40 रुपए होंगे, 500 क्या के हो गए। साले का इतने मार दूंगा, इतने आड़ तोड़ दूंगा, लाखों पेंट छुट्टेगा। घरा जा, 500 लिया भाई। स्कूल की ताई लेट हो रहा हूँ, ये भी जान दो, शाम ने दे दूंगा थारे पैसे, ये जान दे भाई। बनाऊ तो ना मजिस्ट्रेट है। साइकिल है भाई, साइकिल तो दे दे। साइकिल बात सुने, साइकिल तो दे दे यार। बात सुने, आधे घंटे का टाइम है, रपिए लिया ना अपनी साइकिल भूल जाए, समझ में। उस वक्त मेरे दिमाग में आया, अगर मैं पापा के पास गया तो जितने भी पैसे ये लोग मांग रहे थे वो उन्हें चुपचाप दे देंगे, जो कि गलत होता, पर साइकिल भी तो वापस लेनी थी। एक और रास्ता था, मेरे ताऊ का लड़का बिट्टू। बिट्टू हमारे गांव में एक जिम चलाता था, बच्चों में उसकी अलग ही हवा थी। उस दिन मैं पापा की जगह बिट्टू से मदद मांगने पहुंचा। बिट्टू भाई, कुछ बढ़ कर मेरी साइकिल खोस ली। चलो रे, तुम जूस पे आ जाओ। कई बार छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी बन जाती हैं कि संभाले नहीं संभलती। खैर, जब तक हम अंडे वालों के पास पहुंचते हैं, मैं तुम्हें अपने स्कूल की एक महान हस्ती से मिलवाता हूं। अरे यार, मैं तो नू सोच रहा हूं जिम स्टार्ट कर दूं। अरे जिम की तो मैं भी सोच रहा हूं यार। तू क्या करेगा जिम करके? यार पेट लिकड़ा है यार। लिकड़न दे, तन्ने को नी साड़ी बांधनी है यार। मेरे से ना तू मजाक मत किया कर यार। ओए समिया, रूस की कड़जाई मेरे तरह उसके हैं। पीटीआई कित गए रे अपना आज? अरे मन्ने तो साल आ गया, वो मौसमी मैडम के चक्रा में है। अच्छा, अरे उनको पक्का कुछ चल रहा है भाई। चल रहा है क्यों ना, हमारा पीटीआई है इतना हैंडसम, हरियाणा का लंबा चौड़ा कति ठाटा जवान है ना। ये हमारे स्कूल के पीटीआई हैं, इनके माँ बाप ने इनका नाम औरंगजेब रखा था। बचपन की कुछ गलतियों की वजह से इनकी हाइट थोड़ी छोटी रह गई। ये दिखते छोटे हैं पर फुर्तीले बहुत हैं, और इनकी अंग्रेजी के तो क्या कहने, पूरा स्कूल दीवाना है। चलो 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 चलो। ओ प्ले बॉयज, कम टू गो प्लीज। यस सर। अरे उरे ला जाओ, फ्रंट टू माय चेस्ट, नोज की सीध में काटू में चेक नजर गए। यू फैट बॉय, यात्री चैन खुली पड़ी, दिखाई नहीं दे रहा तेरे को, शर्म नहीं आती? समझ के कट्टे। सॉरी सर, वो खराब होगी सर। ओहो, चैन खराब हो रही है, चट बटन लुवा ले, ओपन द क्लोज डोर, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, मेरे की तरह कंफर्टेबल हो जाएगा। ओके सर। ऐसे अच्छा लगता है जो पोस्ट ऑफिस खोल के स्कूल में घूम रहा है, कोई पोस्ट कर जाएगा। लेटरे सर, आपकी भी तो चैन खुली है। ओहो, मेरी टेंशन मत ले, ऑर्डर कर रखे हैं ऑनलाइन चट बटन। और तुम सबकी बेल्ट कहाँ है? सर बोल गए सर, कल पक्का लगा लेंगे सर। हम मैं तमाशा बना रखा है, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज है कि नहीं? कोक बन जाओ सारे। सर कोक, क्या बात कर रहे हो सर? अरे मुर्के बन जाओ सारे, आज लड़कियां के सामने थारी इंसल्ट करूंगा ना, जब सुधरोगे। गर्ल्स, यस सर, सी दिस कोक्स, बदतमीज बच्चे। सर हमने मुर्गा बनाना आता, फिर आप मारोगे, एक बार करके दिखा दो किस तरह बनाया करें। ये होता है स्मार्ट बॉय, हर चीज परफेक्ट करना, मैं सिखाता हूँ। पहले ऐसे करो, नीचे नीचे से करो सर, करो करो, झुको सर। सर सर कान रह गए सर, कान पकड़ो। अरे डट जाओ, कर रहा हूँ कोशिश में। करो सर, करने से होता है, करो करो। हाँ बस थोड़े से रह गए सर, बस पकड़ लो पकड़ लो। अरे सर। अरे मौसमी मैम, आप यहाँ? ये क्या कर रहे हो आप? बस कुछ नहीं, बच्चों को मुर्गा बनना सिखा रहा था। अच्छा अच्छा, ना ठीक कर रहे हो आप, तो अच्छा सिखा भी कौन सका है। आप ये सब छोड़ो,
और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है। जब तक मौसमी मैम औरंगजेब को अपना हालचाल सुनाती है, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, जहाँ एज यूजुअल लड़ाई हो रही है। आज मुद्दा पैसों का है। हजार बार कह ली, कमेटी मत भरे कर, मत भरे कर, करके नहीं सारे पैसे बर्बाद, मानना नहीं किसे की भी। मैं क्या करूँ जब सब बगैर पी लेके भाग गया, आदमी शरीफ चला के था। हाँ शरीफ क्यों ना लगेगा, तेरे दो पैक लगवा दे, नमकीन बिस्कुट खुवा दे, सारे दिन खाली मैं पील बैठा है। आ तई जितनी कमेटी भरी है किसे फायदा होया है। और क्या करूँ, ये दो पीछे जोड़ रखी, कितने इन्वेस्ट करूँ ना करूँ। या दो चार कमेटी और भर ली, सजा ले मैं पील जा, लाओ रसगुल्ले का डिब्बा खा गई पे। माँ जब तू क्यों लड़े है, पापा आपने सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करनी है ना। अरे हाँ, जिसमें अच्छे रिटर्न मिले। तो ग्रो ऐप डाउनलोड कर लो, आजकल इन्वेस्टमेंट के लिए सब यही यूज कर रहे हैं। अच्छा ऐसा, इसमें क्या है? ये देखो, ग्रो ऐप में हम इजीली अपना अकाउंट खोल सकते हैं और किसी भी टॉप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा हाँ, और इसमें हम अपने एक्सटर्नल फंड्स को भी ट्रैक कर सकते हैं, ना कोई पेपर वर्क और ना ही किसी को किसी तरह कोई कमीशन देना। अरे ये पैसे कटवाने हो तो बेटा, वो तो और भी आसान है माँ, जब चाहे जितना इन्वेस्ट करो और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ये एफडी तो भी बढ़िया ऑप्शन है टिंकू। एफडी तो बहुत पुराना हो गया माँ, एफडी में कुछ रिटर्न ना आते, म्यूचुअल फंड्स में बेस्ट रिटर्न आवे। ईप करा करो आप डाउनलोड। हाँ जल्दी कर लो डाउनलोड। डाउनलोड कर कर पानी की मोटर ना ठीक करवा ले, हम तो बाबू बेटा दोनों सीढ़िया लो, हम तो नहाओ नहीं, कम से कम मैं तो नहा लूंगी। हाँ तन्ने तो नहा का सौंदर्य प्रतियोगिता जितनी है, अपना आका देख के मटर छील ले। खैर इनकी नोकझोंक तो चलती रहेगी, चलो अपनी साइकिल वापस ले ली जाए। अरे ये है टिंकू है। हाँ ये है भाई, देख मेरी साइकिल खोस रहे दोनों। अरे टिंकू तने फालतू में तंग करे हम, इन कबूतरा इतना ही तुम्हारी पिंकी ना बहुत है। पिंकी पिंकी चुकर ये बोले भी कुछ दिन दर्दी है। ठीक है हाँ भाई, कैंडे फूटे हैं थारे। एक दिन ना भाई, बोलना नहीं है। पिंकी प्यार से, गुस्सा नहीं। हाँ भाई कुछ तो ले लो, कुछ तो रुपये बनते होंगे थारे। ना भाई ना ना, की मैं माफ कर दूँ। ओहो आज या पिंकी भी ना माने। ना माने भाई, ना माने। पिंकी इनके कपड़े उतार और अब ये तेरे वाले हैं। यस मिट्टू भाई, मेरी साइकिल मिल गई, छोड़ दे इन्हें। तू साइकिल था और स्कूल जा। पर इन्हें तो छोड़ दे, तू टेंशन मत ले, तू स्कूल जा, इन अपने आप देख लेंगे। छोड़ दो भाई, ना मेरी तो साइकिल मिल गई। पिंकी मुझे नहीं पता था मेरे जाने के बाद उन लोगों के साथ क्या हुआ, पर ये अंदाजा जरूर हो गया था कि ये बात यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। एक बात और थी जो बढ़ती ही जा रही थी। कबड्डी का मैच तो परसों है यार। हाँ यार बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। सुन वो तो कोई ना अपना रामपड़ संभाल लेगा, बहुत तगड़ी कबड्डी खेल है यार। अरे कसूती खेल है वो। अरे फिर भी यार तुमको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। हाँ स्कूल की बेइज्जती मत करा देना। अरे कुछ बेइज्जती ना हो, एक बार ट्रॉफी मारी है। भैया आपको करण मैम बुला रही है। लेवल टिंकू आज इधर बुलावा। अरे क्यों चक्कर है इस किरण मैम का? पता ना यार, क्या बात है भाई, कहाँ बुला रही है? ग्राउंड में बैठ के लंच कर रही है तो आपको वही बुला रही है। क्या काम है, मेरे को क्यों बुला रही है? सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है। चलो सिलेबस पूरा ना आया है। दे रहा ना यार, हमने सब दे रहा है। छेड़ना की रियलिटी है, बता समिया मारो साले के। यस मैम। ललित मैं तेरे लिए गाजर का हलवा लाई थी। मैम ये सब तो ठीक है, लेकिन आप यूं सबके सामने मेरे को मत बुलाया करो। क्यों क्या हुआ? मैं सारे दोस्त छेड़ते हैं फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता है ऐसे। अरे इसमें छेड़ने वाली क्या बात है? पता नहीं अजीब सा लगता है, मेरी थोड़ी देर में क्लास है, मैं जाऊँ। हाँ ठीक है, तुझे नहीं खाना तो तू जा। खाने की बात नहीं है मैम, गाजर का हलवा तो मेरा फेवरेट है, दे दो अपना राजमत हो। एक्टिंग तो ऐसे मारता है जैसे तुझे यहाँ आना पसंद ही नहीं है। पसंद तो है मैम, लेकिन ऐसे फिर सब लोग मजाक बनाते ना तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। अच्छा तुमने कहीं इंग्लिश का ट्यूशन लगवा रखा है क्या? नहीं तो, इंग्लिश का ट्यूशन कौन लगवाता है? तू लगवा ले मेरे पास। क्या? हाँ मैं तेरे से पैसे भी नहीं लूंगी और तुझे अच्छी खासी इंग्लिश भी सिखा दूंगी। मैम मेरी क्लास है, मैं बाद में आऊंगा। आओगी ट्यूशन? मैं मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा आपको। के साथ? बस यार मन नहीं है। मन नहीं है क्यों? परेशान क्यों लग रहा है तू? फिर तेरे को बताऊंगा, फिर तू हंसेगी सबकी तरह। अरे पागल है क्या, मैं क्यों हंसूंगी? तू मुझसे सब कुछ शेयर कर सकता है। मुझे पता है तू हंसेगी। अरे मैं नहीं हंसूंगी, मुझे दोस्त नहीं मानता क्या? पक्का किसी को नहीं बताएगी? पक्का नहीं बताऊंगी यार। किरण मैम वाली बात को ज्यादा नहीं खिंचगी, बहुत
अजीब सा हो रहा है यार, मेरे को दो दिन से ना भूख लग रही है ना पढ़ाई में ध्यान लग रहा है, सब कुछ वियर्ड सा होता जा रहा है। अभी तू पागल है क्या? वो टीचर है। तभी तो कह रहा हूँ यार, ये सब वियर्ड है, पता नहीं क्यों। अरे ये छोटी सी बात है, इस पे इतना परेशान मत हो। तेरा परसों कबड्डी का मैच है ना, तू उस पे फोकस कर और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर। उस वक्त कुछ दोस्त सही सलाह भी दे रहे थे, पर वो कहते हैं ना, सो सुनार की एक लोहार की, इन कमीनों का क्या करता। बिंदु भाई आज तो हलवा खाने का जी कर रहा है। और भाई हलवा गाजर का हो तो स्वादे आ जाए, और को अपने हाथ बना खवा दे तो बात अलग है। आज तारी जीभ इतनी क्यों लपलपा रही है? अरे भाई आज गाजर का हलवा खा के आ रहा है, गाल में लाली दे किसकी। अरे यार बिंदु बकवास कर रहे हैं, वो मैडम लंच में थोड़ा सा हलवा ले आ रही थी, बड़ा सा टेस्ट कर लिया, क्या हो गया ना भाई। टिंकू किस्मत कभी कभी दिखाती है ऐसा जलवा, जब कोई बना के लाए तुम्हारे लिए गाजर का हलवा। अरे भाई साहब छोटे छोटे बच्चे आएंगे। ललित भैया आपको ना किरण मैम बुला रही है। अरे भाई बता तो दिया, सिलेबस पूछे है, सिलेबस का चक्कर है यार। हमारे पास आउट ना रहा, इनका सिलेबस खत्म ना होता देख। अरे जोगी जब इंसान प्यार में होता है बेबस, तो यूं ही बढ़ता रहता सिलेबस। एक यो मुगले आजम छिड़ रहे आज नहीं भाई, बात जायज क्या है ना। बात तो जायज है बिंदु यार, तो मन भी लागे कुछ ना कुछ तो है। मैंने तो पहले ही बताई थी, उसका तो मन भी रहा ना, मन खुद भूख प्यास लागनी बंद हो रही है यार। अरे भूख की टेंशन मतलब है, हम बैठे मजाक की बात ना है। तू बता यार बिंदु क्या करना चाहिए। मेरी मान तू मैडम तो जाके साफ साफ बात कर ले। अरे मैं भी यही समझाऊं था इससे, प्यार में ज्यादा इंतजार अच्छा नहीं है, तू खुद समझ ले क्या करना है, अब तू बच्चा नहीं है। बेरा ना यार बिंदु, हमने सब बेरा है। होले होले हो जाएगा प्यार, चले आओ। होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले हो जाएगा प्यार। मुश्ताक भाई बहुत बेइज्जती होगी भाई आज, भाई बदला लेना है। कहीं मोहब्बत की चिंगारी सुलग रही थी, तो कहीं बदले की आग, पर आग तो हर तरफ लग चुकी थी। इस आग की लपटों में कौन कितना झुलसेगा, ये हम कहानी के अगले भाग में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। हाय गाइस, तो ये था टिंकू टीनेजर का सेकंड एपिसोड। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, कमेंट कीजिए अपना फेवरेट पार्ट, और अगर आप सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ग्रो ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कर लो, एंड स्टार्ट योर SIPs टुडे, इन्वेस्ट इन टॉप म्यूचुअल फंड्स। And don't forget to subscribe and Shokeen Films. Thank you so much. जल्दी लेके आएंगे थर्ड एपिसोड। Bye bye.